आप अपने बिजनेस को जो है दूसरे लोगों से आगे लेके जाना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो इन मार्केटिंग आइडियाज़ को ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बारी आती है मार्केटिंग आइडियाज़ की। तो सबसे पहले जो है आपने अपने जिम में एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट करना है और आप जो है जिम के साथ साथ फोटोग्राफी भी काफ़ी होती है, तो आपने सेल्फी पॉइंट क्रिएट करना है और आपने कॉन्टेस्ट चलाना है कि जिस किसी की भी जो है प्रोफाइल अगर यहाँ पे फ़ोटो लेता है, हमें टैग करता है, और जिसकी प्रोफाइल को जिस पोस्ट को जो है सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे अगले महीने जो है उसकी जो है फ़ी वो एकदम फ्री रहेगी। तो बहुत सारे लोग इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और ओनली आपने एक बंदे की फ़ी जो है वो जो है अगले महीने फ्री करनी होगी। तो इसके थ्रू भी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हो सकती है और आप जो है अलग अलग तरह के कॉन्टेस्ट भी चला सकते हैं, जैसे कि पुशअप कॉन्टेस्ट और स्कीपिंग रोप का कॉन्टेस्ट, और उसमें आप इस तरह के प्राइजेस दे सकते हैं जैसे कि शेकर हो गया या बोतल हो गया। तो इससे भी आपकी अवेयरनेस होगी। गूगल माय बिजनेस रिव्यू के लिए आपने जो है फर्स्ट दिन ही जैसे ही आपके वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन होता है तो उसी दिन जो है आप रिव्यू ले लेंगे, लेकिन आप उनको बोलेंगे कि अगर आप गूगल माय बिजनेस रिव्यू पे रिव्यू डालते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी। आपने अपने जिम में जो है फोटोग्राफी इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड कराना होगा, और जो लोग जो है फिटनेस के रिगार्डिंग रील्स और यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाते हैं उनको आप वो इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन एक टाइम डिसाइड करना होगा आपने कि इस टाइम में ही आप जो है ये इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हो ताकि आपके जिम में जो मेंबर जिम करते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से भी जो है आप अपने जिम को हाईलाइट कर सकते हो। आप अपने जिम में ही स्टीम इक्विपमेंट का एक सेक्शन बना सकते हो ताकि जहां पर आपके जिम मेंबर या फिर किसी और भी जिम के मेंबर जो है स्टीम लेने के लिए आ सके। और जो कंटेंट है आपने वो कंटेंट फीमेल और मेल के लिए सेपरेटली बनाना होगा ताकि आपकी ऑडियंस जो टारगेटिंग है वो अलग अलग हो सके। आपने जो है एक वर्कआउट का पीडीएफ बनाना होगा, जैसे कि कोई नया मेंबर आता है तो डेली ये पूछता है कि सर मैं क्या करूं और मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो आपने जो है मेल और फीमेल के लिए अलग से ही एक पीडीएफ बनानी होगी, और आप चाहो तो उसे एज ए कैटलॉग उसको प्रिंट करा कर भी अपने जिम में रख सकते हो या फिर उनको व्हाट्सएप पे या ग्रुप में शेयर कर सकते हो ताकि किसको, जैसे कि मान के चलो किसको किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज के नाम के साथ, उस तरह से जो है आप एक पीडीएफ बनाएंगे और अपने मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। अगर आपका जिम न्यू है तो आप जो है एक हफ्ते का फ्री पास जो है वो सबको देंगे ताकि आपके जिम में जो है फुटबॉल बढ़ सके। अब बारी आती है पेड एडवर्टीजमेंट की। जो हमारा पेड एडवर्टीजमेंट है वो सोशल मीडिया पर ही होगा, मतलब कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर ही, और जो आपका टारगेट एरिया रहेगा वो आपका 5 किलोमीटर होगा, और मान के चलिए अगर आप पूरी सिटी को भी टारगेट कर रहे हैं तो आप जो है पूरी सिटी को भी ले सकते हैं। आप इसमें पोस्ट की फॉर्म में जो है वो अपने क्रिएटिव को आगे बढ़ा सकते हैं जिसमें आपकी फ़ी लिखी हो, आपके जिम के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है आप उस पोस्ट में डाल करके उसके थ्रू जो है अपना क्रिएटिव बना करके अपनी ऑडियंस को जो है वो दिखा सकते हो। साथ में अगर आप वीडियो एड बनाना चाहते हैं तो आपने जो अपनी जिम के लिए ओवरव्यू वीडियो बनाया था आप उसके थ्रू भी अवेयरनेस कर सकते हैं ताकि लोगों को आपके जिम के बारे में पता लगे और वो जो है आपका जिम ज्वाइन कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।